हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में इस एक्सपर्ट पजल को सॉल्व करेंगे हम। ये ही एक्सपर्ट पजल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिया था एज ए टास्क। आप में से बहुत लोगों ने मुझे आंसर भी सेंड किया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आंसर्स गलत थे। तो आप अब इस वीडियो में खुद देखिएगा कि आपसे मिस्टेक कहाँ पर हो रहा था। और बहुत लोग जो नहीं बना पाए, जिन्होंने वो पजल देखा था, अटेम्प्ट भी किया लेकिन बना नहीं पाए, वो भी देखिए कहाँ पर मिस्टेक हो रहा था। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप पॉज कर लें स्क्रीन को, एक बार खुद आप अटेम्प्ट करें। बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता है तो फिर आप देखिए कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यहाँ पर देखिए, आपको इस ब्लॉक में पहले वन का आंसर मिल गया। स्टार्टिंग में वन खोजते वन आपको दिख भी गया। यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, यहाँ वन नहीं होगा, यहाँ पर वन है। अब एक चीज देखिए, आप यहाँ पर और कुछ आंसर मिल रहा है क्या इस ब्लॉक में? देखिए यहाँ पर सेवन है, एट है, तो आपको ये पता है कि सेवन तो देखिए इस ब्लॉक में पहले से ही। ठीक है, तो अब एट देखिए, यहाँ पर एट है तो यहाँ एट नहीं होगा। मतलब ये कि इस ब्लॉक में जो एट है वो इन दोनों में से किसी एक सेल में है, या तो यहाँ पर आएगा यहाँ, तो यहाँ पर है। उससे आपको एक और चीज क्या मालूम पड़ रहा था कि आपको यहाँ पर आपको एट का आंसर मिल गया। यहाँ पर एट है तो यहाँ एट नहीं होगा, तो इस ब्लॉक वाला जो एट है वो इन दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है, अब इस ब्लॉक पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर एट है तो यहाँ एट नहीं हो सकता। इस ब्लॉक में एट इन दोनों में से किसी एक में होगा, तो यहाँ पर भी एट नहीं हो सकता। अब इस ब्लॉक वाला जो एट है वो इन दोनों में से किसी एक में होगा। अब गुड लक ये था कि नीचे आपको एट दिख गया, तो आपको यहाँ पर एट का आंसर मिल गया। अगर यहाँ पर एट नहीं होता तो फिर आप क्या करते? तो भी देखिए आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पर एट है वैसे यहाँ पर थ्री है, दोनों का देखिए सेम केस है। एट यहाँ पर है तो यहाँ नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक में एट होगा। वैसे यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर थ्री नहीं होगा, तो इस ब्लॉक में जो थ्री है वो इन दोनों में से किसी एक में होगा। अब आप इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पर थ्री है तो यहाँ थ्री नहीं होगा। इस ब्लॉक वाला थ्री इन दोनों में से किसी एक में होगा, तो यहाँ पर भी थ्री नहीं होगा। तो फिर इस ब्लॉक वाला थ्री किधर होगा? इन दोनों में से किसी एक में होगा। ठीक है, तो एट भी इन दोनों में से किसी एक में होगा, थ्री भी इन दोनों में से किसी एक में होगा। तो आपके यहाँ पर आपको थ्री का और एट का नेकेड पेयर देखने को मिल जाता। लेकिन गुड लक ये था कि यहाँ पर आपको एट मिल गया, तो आपको आंसर ही मिल गया एट का। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक में थ्री और एट होगा, समझ गए आप बिल्कुल। तो एट यहाँ पर है तो एट यहाँ नहीं होगा, तो इस ब्लॉक का एट यहाँ पर होगा, तो फिर थ्री किधर होगा? इधर में थ्री होगा। ठीक, अब पहले ये दोनों को भर लेते, देखिए आंसर मिलता है क्या। आंसर नहीं भी मिलेगा तो आपको नेकेड पेयर जरूर मिल जाएगा। इस ब्लॉक में कौन कौन सा डिजिट बाकी है? देखिए फाइव और नाइन। अब आप देखिए नीचे ऊपर कहीं फाइव या नाइन है क्या? फाइव है, देखिए वहां पर फाइव है, तो यहाँ फाइव नहीं होगा, यहाँ फाइव लिख लेते हैं, यहाँ पर नाइन लिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक और अलग केस देखने को मिलता है यूनिक रेक्टेंगल 269 269 269 269। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कभी भी कोई दो डिजिट दो रोज में, दो कॉलम्स में और दो ब्लॉक्स में नहीं आ सकता। ठीक है, दो डिजिट, यहाँ पर तो थ्री डिजिट है, 269 269 269 269। अब आपको ये देखना है कि हो सकता है, बहुत चांसेस है कि इन दोनों में से कोई एक टू या सिक्स या नाइन एलिमिनेट हो जाए। यहाँ पर भी टू या सिक्स या नाइन, कोई भी एक डिजिट एलिमिनेट हो जाए। मान लीजिए आप यहाँ से सिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक, एज्यूम करिए ऐसा हमें कोई आंसर मिलता है, यहाँ कोई आंसर मिलता है, कहीं भी कोई आंसर मिलता है जिससे ये सिक्स एलिमिनेट हो जाते हैं, तब आपको क्या देखना है? 2 9 2 9 2 9 2 9। ठीक है, 2 9 2 9 2 9 2 9 ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर आप कन्फर्म होकर बोल सकते हैं इन तीनों में से किसी एक में सिक्स तो जरूर होगा, ये पक्का हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे ऐसा कोई सेल है क्या जो इन तीनों को देखता हो, पांच से आप सिक्स को एलिमिनेट कर देंगे, इसको इसको और इसको, इन तीनों को देखने वाला कौन सा सेल होगा? ये दोनों सेल होगा। यहाँ पर सिक्स आए या मतलब यहाँ पर कोई भी आंसर आए, या यहाँ पर कोई भी आंसर आए, या फिर यहाँ पर कोई भी आंसर आए, जैसे मान लीजिए टू, इन तीनों में किसी में भी अगर टू आता है तो फिर यहाँ पर और यहाँ पर टू नहीं आ सकता, ये दोनों सेल इन तीनों को देखता है। ठीक है, ऐसा भी पैटर्न देखने को मिलता है। तो आपको अभी देखना है कि थ्री डिजिट्स भले ही मिल रहा है, लेकिन आपको कोशिश करना है इन चारों में से कोई भी एक भी एलिमिनेट हो जाता है अगर, तो आंसर मिलने का थोड़ा सा चांस ज्यादा हो जाए। अगर तीन एलिमिनेट हो गए, जैसे इन तीनों में से सिक्स एलिमिनेट हो गए, तो बहुत इजी हो गए। सिक्स आ सकता है, सेवन सेवन है यहाँ पर पहले से, एट है यहाँ पर, नाइन है, तो यहाँ पर बस थ्री और सिक्स दो ही डिजिट आ सकते हैं। अब आप चेक करिए, यहाँ पर थ्री सिक्स है, यहाँ पर थ्री फोर है। अब देखिए आपको एक्स वाई मिलता है क्या? थ्री फोर थ्री सिक्स, तो आपको देखने कहीं पर आपको फोर सिक्स मिलता है क्या यहाँ पर, या फिर यहाँ पर कहीं पर फोर सिक्स मिलता है क्या? देखिए ये रहा फोर सिक्स मिल गया,
3, 6, 3, 4, 4, 6 ये आपको एग्जांपल मिल गया है एक्स वाई। अब देखते हैं इससे एलिमिनेशन मिलता है। अब इससे एलिमिनेशन मिलता कैसे है, बहुत लोग जानते हैं एक्स वाई, बहुत फेमस है ट्रिक, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते तो नहीं जानते। एक बार आप शॉर्ट में इतना सा देख लीजिए एक्स वाई कैसे होता है। हमें चेक करना पड़ता है थ्री बाई वैल्यूड सेल चेक करते हैं, मतलब ऐसा सेल जिसमें आपको दो ही डिजिट मिलता हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3, 4, 3, 6 और 4, 6 इनमें आपको देखिए टू टू डिजिट्स में से एक डिजिट आएगा ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आप चेक करेंगे इन तीनों सेल्स में टोटल थ्री डिजिट्स देखने को मिलेगा आपको, 3, 4 और 6 देखिए और कोई डिजिट है। थ्री सेल्स में थ्री डिजिट्स, तीनों सेल्स कौन से बाई वैल्यूड सेल। अब आपको और क्या चेक करना पड़ता है इसमें, ऐसे ये एक ऐसा सेल होगा उन तीनों में से जो इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। बीच में कहीं पर होगा क्या मतलब है, ये इसको भी देख सकता है, ये इसको भी देख सकता है। देख सकता है क्या मतलब है, या तो ये और ये सेम ब्लॉक में होता है या सेम रो में होता है या सेम कॉलम में होता है। ठीक है, ये और ये देखिए सेम रो में है, ये और ये देखिए सेम कॉलम में, लेकिन ये दोनों देखिए ना तो सेम रो में ना सेम कॉलम में ना सेम ब्लॉक, मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। इसके आंसर से इसके आंसर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर थ्री हो गया तो यहाँ पर थ्री नहीं हो सकता, ऐसा आप साफ साफ तुरंत नहीं बोल सकेंगे, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है इसका। ठीक है, उसको हम बोलते हैं देख सकता है नहीं देख सकता। अब इससे क्या मालूम पड़ता है, आपको थ्री बाई वैल्यूड सेल मिल गया, एक ऐसा जो इसको और इसको देखता है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देखता है। ठीक है, आपको एक और चीज क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 3, 4 है, 3, 4 में से कोई एक डिजिट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जो दूसरा वाला डिजिट है 3, 4 में से 3 आपको यहाँ मिल रहा है, 4 आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, ये उसके बाद आपको और क्या देखना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा डिजिट है यहाँ पर, यहाँ भी वो वाला ही एक्स्ट्रा डिजिट होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं थ्री सेल्स में थ्री डिजिट है तो आपको ऐसा पैटर्न मिलेगा जरूर, लेकिन खोजते ऐसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3, 6 देखा, यहाँ पर 3, 4 देखा, तो मैंने तुरंत अब क्या सर्च किया कौन कौन सा डिजिट बचता है, 4 और 6। आपको सेल देखना है जिसमें आपको 4 और 6 आता है, वो सेल इस ब्लॉक में भी हो सकता है, इस ब्लॉक में भी हो सकता है, इस कॉलम में भी हो सकता है, इस कॉलम में भी हो सकता है। ठीक, उससे एलिमिनेशन क्या मिलेगा, जो एक्स्ट्रा डिजिट है 6 वो इन दोनों में से किसी एक में जरूर होगा। ठीक, अब ऐसा कोई सेल जो इन दोनों को देखता हो वहां पर 6 नहीं हो सकता, ये होता है एक्स वाई से एलिमिनेशन। अब इन दोनों में से किसी एक में 6 जरूर क्यों होगा वो भी देखना है आपको। देखिए, अगर यहाँ पर 3 होता है, अब केस मानिए यहाँ पर अगर 3 होता है तो यहाँ 3 नहीं होगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, और अगर यहाँ पर 3 नहीं होता है, यहाँ पर आप मानिए 4 होता है, यहाँ पर अगर 4 होता तो यहाँ 4 नहीं होगा तो फिर आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, केस 1 अगर यहाँ पर 3 होता है तो फिर यहाँ पर 6 होगा, केस 2 अगर यहाँ पर 4 होता है तो यहाँ पर 6 होगा, तो इन दोनों में से किसी एक में 6 जरूर होगा ही होगा। अब जब इन दोनों में से किसी एक में 6 जरूर होगा तब आपको यह चेक करना है कोई एलिमिनेशन मिलता है। इन दोनों सेल्स को देखने वाला सेल कहाँ मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन देखिए इसका और इसका, ये मिल गया, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर 6 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर या तो यहाँ पर किसी एक में 6 जरूर हो तो अब यहाँ से 6 को एलिमिनेट कर देंगे। ये एडवांटेज होता है एक्स वाई रिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है, कोई भी आप हार्ड पजल अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्स वाई या एक्स वाई जी दोनों में से एक तो काम आता ही, और ये तो एक्सपर्ट पजल है तो सिर्फ एक ट्रिक से तो वैसे भी नहीं बनना चाहिए, तो यहाँ से हम 6 को एलिमिनेट कर देंगे। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला था बहुत लोग जिन्होंने मुझे आंसर भेजा है यहाँ तक बहुत लोग का सही था, एक्स वाई बहुत लोग एकदम अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर बहुत लोग से गलती हो गई कुछ। देखिए यहाँ पर 2, 9 है, यहाँ पर 2, 6, 9 है, 2, 6, 9, 2, 6, 9, तो आपको ये पता है कि जो यूनिक रेक्टेंगल्स है यहाँ पर 2, 9, यहाँ पर भी 2, 9, यहाँ पर भी 2, 9 और यहाँ पर भी 2, 9 नहीं हो सकता, ये चारों सेल्स में 2, 9 नहीं हो सकता। ठीक है, ये चारों सेल में 2, 9 नहीं हो सकता, मतलब ये है कि इन तीनों में से किसी एक में 6 तो जरूर होगा, इसमें होगा या फिर इसमें होगा या फिर इसमें, इन तीनों में से किसी एक में 6 जरूर होगा। अब जब इन तीनों में से किसी एक में 6 होगा ही, क्योंकि अगर इन तीनों में 6 नहीं होता है तो 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9 का यूनिक रेक्टेंगल बन जाएगा, जिससे आपको एक से ज्यादा आंसर मिल जाता है। बहुत यूनिक रेक्टेंगल्स नहीं जानते, बस आप इतना समझ लीजिए कोई भी दो डिजिट, जैसे 2 और 9, कोई भी दो डिजिट 2 रोज में, 2 कॉलम्स में और 2 ब्लॉक्स में नहीं आ सकता। अगर आ जाता है तो आपको उससे आपको फिर एक से ज्यादा आंसर मिल जाता है, अगर एक से ज्यादा आंसर मिलता है तो हमारा आंसर गलत होता है, फिर वो पजल गलत होता है, क्योंकि ये पजल सही है तो आपको एक से ज्यादा आंसर नहीं मिलना चाहिए, तो फिर आपको 2, 9, 2, 9, 2, 9 वाला पैटर्न देखने को नहीं मिलना चाहिए। वो पैटर्न देखने को नहीं मिले उसके लिए क्या जरूरी है, इन तीनों में से किसी एक में 6 होना जरूरी है। ठीक है, अब जब इन तीनों में से किसी एक में 6 जरूर होगा तो यहाँ देखिए 6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसा सेल है जो इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, इसको भी देख रहा है, यहाँ अगर 6 होता है, यहाँ पर अगर 6 होता है तो भी यहाँ 6 नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर होता है
यहां पर होता है तो भी यहां पर सिक्स नहीं हो सकता। तो केस कुछ भी हो, यहां से आप सिक्स को तो 100% एलिमिनेट कर देंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा नहीं। ये तरीका अगर आपको आता है तो आपसे ये पजल बनेगा। इस तरीके से अगर आप नहीं बनाते हैं तो आप जो भी ट्रिक अप्लाई करके देख लेंगे आपसे नहीं बनेगा, आपको कलरिंग मेथड ही यूज करना पड़ेगा। 479 है यहाँ पर, 47 यहाँ पर, 49। तो आपको देखिए नेकेड ट्रिपलेट देखने को मिलता है, आपको पता है इन तीनों में ही कहीं पर 47 और 9 आएगा, तो उसके बाहर कहीं पर 47 और 9 नहीं आ सकता। यहाँ से आप 7 को एलिमिनेट कर देंगे, यहाँ 7 को एलिमिनेट करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल गया 5। सिक्स आ गया तो यहाँ पर 2 होता है। देखिए ये पजल सॉल्व हो गया। तो और कोई भी तरीका आप ट्राई कर लें, लेकिन आपको ये जो मैंने आपको दिखाया यूनिक रेक्टेंगल्स वाला है, ये आपको यूज करना ही पड़ेगा। इसमें आपको एक्स वाई यूज करना ही पड़ेगा और आपको यूनिक रेक्टेंगल्स यूज करना ही पड़ेगा। बिना यूनिक रेक्टेंगल्स के शायद ये पजल सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो आपको कलरिंग मेथड ही यूज करना पड़ेगा। फिर भी अगर कोई तरीका दिखता आपको जिससे आंसर मिल जाता तो आप जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन करिएगा। और आप चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। और सुडोकू के और बहुत सारे एक्सपर्ट पजल्स में लेकर के आने वाला हूँ, बहुत सारे ट्रिक्स भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूनिक रेक्टेंगल का जितना भी टाइप है, मैंने आपको इसके पहले एक और पैटर्न दिखाया था, वो आप जरूर देखिएगा, वो सब आप एकदम सीख जाएंगे। फिर और भी बहुत सारे ट्रिक्स को हम एकदम एक एक करके सीखते जाएंगे। 30 एक्सपर्ट पजल्स का मेरा टारगेट है, 30 एक्सपर्ट पजल्स मैं आपको पूरा सॉल्व करवाऊंगा। उसके बाद फिर हम लाइव आकर के एक साथ सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो जुड़े जरूर, और जरूर बताएं कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।